शादी का सीजन शुरू होते ही लिटिल चोर गैंग भी एक्टिव हो गई है। कम उम्र लड़के मैरिज हॉल में चोरियां कर रहे हैं। निशाने पर खासतौर से दूल्हा दुल्हन के माँ बाप रहते हैं। मौका देखकर ये ज्वेलरी कैश से भरा बैग पार कर देते हैं। चोरी करने के लिए बकायदा सूट बूट में पहुंचते हैं। इससे इन पर किसी को शक भी नहीं होता। भोपाल के छोला इलाके के कलर्स मैरिज गार्डन में शादी रिसेप्शन के दौरान 14 से 15 साल के लड़के ने दूल्हे की माँ का बैग चोरी कर लिया। घटना सोमवार रात की है। लड़का मेहमान बनकर पहुंचा था। उसके बैग ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। भोपाल के भवानी धाम अयोध्या बाईपास पर रहने वाली पूर्णिमा शर्मा के पति सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उनके बेटे का सोमवार रात को छोला थाना इलाके के कलर्स मैरिज गार्डन में रिसेप्शन था। सीसीटीवी वीडियो भी दिख रहा है कि रात 10 बजे रिसेप्शन में आने वाले मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इसी दौरान लड़का हाथ में ब्लेजर लेकर स्टेज पर पहुंचा, चुपके से दूल्हा दुल्हन के पीछे कुर्सी पर रखा बैग उठाकर चला जाता है। बैग को वह ब्लेजर में छिपा लेता है। पूर्णिमा शर्मा का दावा है कि बैग में 1,00,000 रुपए कैश था। शादी में आने वाले मेहमानों की तरफ से दिए गए रुपयों के लिफाफे मोबाइल भी रखा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस समय रिसेप्शन में आने वाले मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी दौरान लड़का सज धज कर मेहमान की तरह स्टेज पर पहुंचा। 10 सेकंड के अंदर बैग उठाता है, ब्लेजर के अंदर छिपाता है और रफ चक्कर हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में जब लड़का बैग लेकर शादी गार्डन से बाहर निकलता दिख रहा है तो उसे एक अन्य व्यक्ति मिलता है। वह ब्लेजर में छिपाया बैग साथी को दे देता है। इसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं। दो संदिग्ध लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशंका है कि दोनों संदिग्ध भी बैग चुराने वाले लड़के और उसके गिरोह के होंगे। मंगलवार सुबह बैग के साथ चोरी गए मोबाइल नंबर पर परिवार ने जब कॉल लगाया तो रिंग तो गई लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। पीड़ित परिवार ने जब इसकी शिकायत छोला मंदिर थाना पुलिस से की है। पुलिस को परिवार ने सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं। एसीपी ऋचा जैन का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है। पुलिस की माने तो ये लिटिल चोर गिरोह इतना सातिर होता है कि कम समय में ही दूल्हा दुल्हन के माता पिता को पहचान कर ज्वेलरी और नकदी से भरे बैग पर हाथ साफ कर देता है। भोपाल में छोटे बड़े करीब 200 मैरिज हॉल हैं। शहर की अधिकांश शादियां इन्हीं हॉलों में होती हैं। शहर में शादी समारोह के शुरू होते ही लिटिल चोर गिरोह की सक्रियता भी बढ़ जाती है। साथ ही लिटिल चोरों के मासूम चेहरों के कारण किसी को उन पर शक भी नहीं होता। पुलिस की माने तो बड़े शादी हॉल इस तरह गिरोह के निशाने पर रहता है क्योंकि यहाँ होने वाली शादियां हाई प्रोफाइल होती हैं। गिरोह की महिलाएं और बच्चे खुद को हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए महंगे और मॉडर्न कपड़े पहनकर आते हैं और आसानी से शादी हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। समारोह में शामिल बच्चे ज्वेलरी और नकदी से भरे बैग की तलाश में रहते हैं। शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग काफी व्यस्त रहते हैं। लोगों की व्यवस्था और कुछ हद तक उनकी लापरवाही का यह गिरोह फायदा उठाता है। लिटिल चोर चेहरे से काफी मासूम दिखते हैं। ये इतने सातिर हैं कि इन्हें देखकर किसी को शक नहीं होता कि ये लोग आसानी से समारोह में घुल मिल जाते हैं। गिरोह में शामिल लीडर का इशारा पाते ही बच्चे ज्वेलरी और नकदी से भरे बैग को ले उड़ते हैं।